हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जेएस ऑपरेटर, जिसमें हम देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यू टू द जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है, मतलब कि वैल्यू देनी है या फिर स्टोर करानी है या फिर किसी कंटेनर है उसमें कुछ डालना है, तो इसको हम असाइनमेंट कहते हैं। इसके लिए हम आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके काफ़ी सारे हैं, जैसे इक्वल है, प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, मल्टीप्लाई इक्वल टू है। तो आप सामने देख सकते हैं कि इक्वल टू हमें तो ऑलरेडी पता है कि ए इक्वल टू फाइव लिखा तो मतलब कंटेनर वैल्यू चले जाएगी फाइव। बट जो सेकंड वाला है उसका मतलब देख सकते हैं हम, जो एग्जांपल में सेकंड लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है एक्स प्लस इक्वल टू वाई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप सामने देख सकते हैं सेम एज में एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऐसे नीचे है x माइनस इक्वल टू वाई, तो x उठ के वहाँ पर चले जाएगा x माइनस वाई, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में, मॉडुलस में, डिवीज़न में। तो ये हम यूज़ करके देख सकते हैं, एक हम यूज़ करके देख सकते हैं इसमें प्लस वाला, ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी हमारी। तो ये यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि स्क्रिप्ट हम लिखेंगे ओपनिंग टैग किसी भी स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से पहले, तो ये जे एस स्क्रिप्ट इसमें लिखेंगे। और इसमें एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल ए ले सकते हैं, और इक्वल टू अगर फाइव लिखेंगे और विंडो डॉट अलर्ट लगाएंगे और इसमें हम ए लिखेंगे, तो हमें पता है कि ए फाइव आने वाला है, तब भी हम इसे सेव करते हैं। और जे एस असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट एच टी एम एल से इसे सेव कर देंगे और इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करा तो आपका फाइव लिखा हुआ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर फाइव लिखा था। अभी क्या करेंगे हम, इसको ये प्लस कर देंगे। अगर हम हमारा है और वी ए आर बी इक्वल टू बी इक्वल टू सिक्स है आपका, और वी ए आर ए प्लस इक्वल टू बी, अगर ये होगा आपका तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है? अगर हम इसका मतलब देखें तो ए इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, मतलब कि ए प्लस बी मतलब फाइव प्लस सिक्स, और वो ए में चले जाएगा तो ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो देखते हैं ये किस तरह से वर्क करेगा। इससे हम कमेंट्स को हटा सकते हैं और इसको हम सेव कर देंगे। उसको ओके करके फिर से रिफ्रेश करेंगे तो हमारा आना चाहिए, अगर हम इसे सेव कर दिया और इसके बाद हम लिखेंगे रिफ्रेश, तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स सच में इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर थ्री लिख दिया तो हमें पता है ए इक्वल टू ए प्लस थ्री हो जाएगा, और उसके बाद इसे रिफ्रेश करेंगे तो विंडो डॉट अलर्ट इसे ये लिखेंगे, तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है? मैं यही बताना चाहता था आपको कि चीज़ें प्रॉब्लम क्या आ रही हैं, थ्री लिखेंगे बी लिखेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो मैं इसमें इस वीडियोस में आपको एक एरर के बारे में बताना चाहता था जो वेरिएबल्स के साथ हो सकती हैं, जो कि अक्सर कहते हैं प्रोग्रामर्स कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे मैं अभी बी लिख देता हूँ और ये वर्क कैसे करेगा मैं बता दूँगा आपको। जनरली प्रॉब्लम्स क्या होती है, ये फिर से डिफाइन कर देते हैं लोग, जैसे वेरिएबल ए इक्वल टू ए, तो वेरिएबल ए तो ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, तो हम इसमें वी ए आर क्यों लिखना है, इसे ऐसे इस तरह से लिखते हैं और इसे हम सेव करते हैं और इसे फिर से रिफ्रेश करते हैं। अभी 11 आ रहा है, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं ये भी कवर करना चाहता था कि इस तरह की प्रॉब्लम्स एरर्स आ सकती हैं आपकी वेरिएबल्स के संग।
तो इस तरह से आपका असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करेगा। सो इस तरह से आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, और आपके सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस और इन सब में यूज़ कर सकते हैं आप। सो आई होप आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे। सो थैंक यू गाइस, मीट मी इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। Your feedback is valuable for all, so please comment, like, and share with your friends. Thank you.